डैम में डूबने से तीन बच्चियों की मौत को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने अपने बात रखे न्यूज लाइव फ्लैश से। newslifeflash.com रिपोर्ट, प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, झारखंड, गिरिडीह। देवरी थाना क्षेत्र के गादीकला में बीते 10 सितंबर 2021 को तीन बच्चियों को डैम में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं मौके पर खोरीमहुआ SDPO मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल समेत कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर शव को ग्रामीणों के मदद से निकाला गया। लेकिन ग्रामीणों में दहशत है और आक्रोश भी है और ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों से उच्च स्तरीय जाँच की मांग किया है। वहीं मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव फ्लैश। अभी से तीन दिन पहले 10 सितंबर के दिन, जिस दिन कर्मा के नहाए खाए का दिन था, उस दिन गादी कला के तीन बच्ची यहां से गई थी। यहां से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी है, वहां गई थी बालू उठाने के लिए। इस बीच बालू उठाने के क्रम में बच्ची गई और शायद उनका पैर फिसलने से उनकी मौत हो गई। एक बच्ची डूबी, उसके बाद निकालते निकालते कोशिश करते करते तीन बच्ची नीचे चली गई, जिससे उनका मौत हो गया। हम लगातार इस पर लाइव कवरेज आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों के बीच पीड़ित परिवार, पीड़ित गाँव के पास आकर के इसके बारे में फिर से हम हालचाल जानने के लिए आए हैं कि आखिर इनके ऊपर क्या जांच के लिए अभी तक कौन कौन से पदाधिकारी आए हैं, कौन कौन से नेता आए हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, कैसे क्या हुआ था ये घटना? घटना ऐसा भी हजूर, शॉर्ट में बोलिएगा। मैंने बच्चिया गई थी वहाँ पे नहाने के लिए, बालू कर्मा का लाने गए थे और वहाँ पे पहले तो कुछ भी नहीं था, नदी था। नदी हम लोग भी भरोसा में थे, नदी है, कोई पानी नहीं है उसमें। जब गई बच्चिया फिसल के मर गई, उसमें देखे ग्रामीण पहुंचे तो वहाँ पे कम से कम तीन पुरिसा पानी है जी। तीन पुरिसा पानी है। जब निकालने के सब निकाले, बहुत 3-4 घंटा में निकाले। उसके बाद में आए प्रशासन, प्रशासन आ करके जानकारी लिए और हम लोग भी दिए और उनका अनुमति से हम जो है सो दस संस्कार कर दिए। लेकिन उसके उपरांत वन विभाग का कोई भी अधिकारी, या तो फॉरेस्टर, कचरगार, कोई अध्यक्ष, कोई यहाँ देखने तक नहीं आया है। मतलब फॉरेस्ट विभाग के कोई पदाधिकारी अभी तक देखने के लिए नहीं आए, या फिर कोई भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी जांच में अभी तक नहीं, कोई नहीं आए जी। अच्छा। और मैं मांग करता हूँ, ये बच्चिया जो गई है से फॉरेस्ट विभाग या फॉरेस्ट के चलते गया है और इनकी उचित जाँच होनी चाहिए। हम सभी मैंने संस्थाओं से कहते हैं कि हमारी बच्चिया को कोई घुमा देगा वापस, जिस मैंने लापरवाह से जो बांध बांधा है। अब देखने की बात है कि देखिए किस स्तर पर हम लोग जब खेत में जाते हैं तो भी उसमें खेत मैंने गोहट कुदार करके और खेत को रोपते हैं जी। बांध बांधा है तो किस प्रकार का बांधा, आप देखने का चीज़ है। देखिए और जांच कीजिए आप, देखिए क्या। जैसे बच्ची लोग कर्मा करते, हर साल त्यौहार था और त्यौहार के अलावा बाल तो वहीं से लाती थी बच्ची। लेकिन पहले डैम नहीं था, लेकिन पर साल जुलाई में जब बांधा गया डैम, मात्र 8 दिन काम हुआ है मुश्किल से, और एक GCB से है। सोच लीजिए कि बरसात के समय में एक GCB से 8 दिन में कितना काम हो सकता है। और जब डैम बांधा गया तो इसमें 3 आदमी, माइंस मालिक और फॉरेस्टर और अध्यक्ष, तीनों ने मिल कर के ये डैम को खाली तैयारी किया गया। बाकी ये माइंस के अवैध रूप से माइंस के माटी से ही बांधा गया है। कितना दिन पहले की बात है ये? अगला साल जुलाई की। अच्छा अच्छा, 2021 जुलाई की बात है। 2020 जुलाई की बात है। और टेंडर क्या है हम नहीं दिखा सकते, लेकिन मुश्किल से 8 दिन में उसमें काम हुआ है। 8 दिन में एक GCB से कितना काम हो सकता है बरसात के दिन में? और उसी के आधार से खाली केवल काम इसमें करके सामने देखिए जितना ये लोग राशि हुए लोग गबन करके खाली एक कुआं का मौत बना दिया है बच्ची के। पर साल में 3 जानवर ही मर चुका है। अच्छा, और इन साल देखिए। अच्छा, ये जो जहाँ की जहाँ बच्ची की जो मृत्यु हुई है, ये किस पंचायत में पड़ता है? चिकनाड़ी पंचायत में।
और पंचायत पड़ता है खटौरी में, खटौरी खटौरी पंचायत में पड़ता है। अच्छा, और इसमें अभी कल ही पता चला, रात में कौन कौन आए थे करीबन 10 बजे रात, वहाँ के लोग थोड़ा बता रहे थे कि उस बांध पर टॉर्च से जांच किया गया। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि पूरा ग्रामीणों के सामने उसकी उचित जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई किया जाए। और आप और चोर का भाती आता है जांच करने के लिए वहाँ डैम में। अच्छा, डैम में चोर का भाती जांच करने के लिए आता है। आप लोगों से मिले नहीं? जो भी आए थे आप लोगों से मिले नहीं? कोई नहीं, नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, कोई नहीं मिले। कल आए थे रांची से इंटिक कांग्रेस अध्यक्ष, अच्छा प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो फॉरेस्ट साहब को इंटक, हाँ इंटक, अच्छा अच्छा इंटक को प्रदेश अध्यक्ष आए थे राजकिशोर सिंह जी, जी जी, तो उन्होंने फॉरेस्ट को फोन लगाए तो उन्होंने बताया कि हम अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसी द्वारा में हम भी पूछ बैठे कि इंस्पेक्टर साहब बताइए, फॉरेस्ट साहब आप बताइए कि कितना दिन से आप भर्ती हैं, बच्चिया मरने में 3 दिन हो गया, कोई छोटा बड़ा अधिकारी तो आपके पास होगा, कोई आए क्या? बोल देखिए हम लोग को मालूम नहीं है, जबकि कम से कम उस सत्रीय जांच होना चाहिए। इसमें जो घटना घटी है यहाँ पे बच्ची लोग 3 जो मरी है, इसमें बहुत दुखद बात है। प्रशासन से और आगे और भी जितने भी पदाधिकारी है उनको कम से कम कान खोल के, अभी भी आँख खोल के देखना चाहिए उनको कि क्या हुआ है गादी कला में। अभी तक तो कोई ढंग से देखने के लिए नहीं आए हैं और इस तरह ही से रहा तो रोड जाम किया जाएगा और आगे से आगे बढ़ा जाएगा, रांची दिल्ली जहाँ भी जाना हो वहाँ तक जाया जाएगा। और इसकी जांच नहीं होगा तब तक तो हम लोग कोई भी यहाँ श्रद्धापूर्वक कोई भी काम नहीं करेंगे हम लोग, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक एडिट पर हवा का एडिट